हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल आज हम प्ले द लास्ट मेटाफर जो कि पाकिस्तानी लिटरेचर में एक इम्पॉर्टेंट प्ले है उसको डिस्कस करेंगे दैट इज रिटन बाईज अ पाकिस्तानी राइटर एंड ही वाज ही सच काइंडसन डिडेंट गेट द इंस्पिशन फ्राम ओन पर्सनल लाइफ बट फ्राम द इंसिडेंट वैन ही वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम गुजरात टू द मंडी बहाउद्दीन एट दैट टाइम देर वॉज अ वहीकल एंड दैट क्रश द डग एंड एट दैट टाइम ही स्टॉप एंड उस टाइम ही गॉड of इंस्प द डेड बॉडी ऑफ द डॉग तो लास्ट मेटाफर इज़ बेसिकली इट्स पार्ट ऑफ़ द मॉडर्न लिटरेचर आप कह सकते हैं ऊस्मान ली वर्क डिपिक्स पोस्ट वर्ल्ड लिटरेचर पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर पोस्ट कलोनियल लिटरेचर को डिपिक्ट है अब यहाँ पे उसने एपीग्राफ जो इस्तेमाल किया है वो टेड ही जो पोम है डेथ से वो यूज़ किया है बेसिकली द लास्ट मेटफर इज Muse of ऑफ उस्मान अली द सिग्निफिकेंस ऑफ लास्ट मेटफर इज़ something mm, that doesn't exist uh, physically but symbolically, और इसमें uh, जिस तरह modern literature में absurd situation और absurd language का इस्तेमाल किया जाता है uh, repetitions का इस्तेमाल किया जाता है dialogues uh, इसी तरीके से जो मेन करेक्टर जुगनू और पंखा हैं उनके दरम्या जो dialogues किया गया है वो पाकिस्तानी सिचुएशन पाकिस्तानी थीम्स और पाकिस्तानी कंडीशन को डिपिक्ट कर रहा है अब यहाँ पे जो बेसिकली uh, अगर आप देखें तो इट्स अ वेरी वेरी मच नियर टू द मॉडर्न प्ले दैट वाज नेम वेटिंग फॉर द गोडो दैट वाज रिटन बाय सैमल बकेट अब मॉडर्न इससे काफ़ी तक फेमिलियर है आप लोग के जो है पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के एस्पेक्ट्स होते हैं उसकी लैंग्वेज उसके स्टाइल के हवाले से और इसमें भी वो जब बात करेंगे समटाइम वर डिस्कसिंग द मीनिंगस थिंग्स अबाउट द सॉक्स दे दे वर डिस्कस अबाउट द

थेरेपी कल्ट है ड्रग्स uh, एडिक्ट्स है मीनिंगलेस है कोई इंस्पिरेशन नहीं है रिलीजन पर उसका इतनी मोटी जो रिलीजन जो कि सोर्स ऑफ मोटिवेशन है उसका इतना कनेक्शन uh, रिलीजन के साथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है सो दीज आर द सच काइंड ऑफ अ थिंग के जिस तरह वो कहता है कि उसकी जो एग्जिस्टेंस है ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न विदाउट आस्किंग टू बोर्न एंड दे विल डाय विदाउट सीकिंग टू डाई तो इस किस्म की जो रिमार्क्स हैं ये मॉडर्न मैन और मॉडर्न जो है लिटरेचर को डिपिक्ट करें यहाँ पे भी वो सम टाइम दे वर डिस्कसिंग अबाउट ऑल काइंड ऑफ अ थिंग्स और यहाँ पे जो मेन करेक्टर्स हैं अगर हम इस प्ले के हारे से बात करें तीन एक्ट्स है मेन करेक्टर जुगनू और बंका के हैं और दोनों जो करेक्टर्स हैं दे आर डिस्कसिंग अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डिपिक्ट कर रहे हैं बेसिकली थ्रू दिस करेक्टर्स टू ऑफ पाकिस्तानी पीपल पाकिस्तानी सोसाइटी थाट्स ऑफ द कॉमन मैन इन द अप्रोच एंड द यूज ऑफ द पावर इन द पाकिस्तानी सोसाइटी इन पाकिस्तानी कल्चर एंड रोल ऑफ द पावर रोल ऑफ द पोलिटिशंस इन पाकिस्तानी सोसाइटी इन पाकिस्तानी कंट्री इन पाकिस्तान ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि इस, इस प्ले की इम्पोर्टेंट है जिसमें जो एक डेड बॉडी का इस्तेमाल किया गया दैट वॉज फ्राम द स्टार्ट टू द एंड वी डोंट नो अबाउट द डेड बॉडी वेदर मैन वन और या फिर वो फिर कोई एनिमल की है एट द एंड आपको पता चलता है कि इट्स अ डेड बॉडी ऑफ द डॉग फिर इसमें जो जुगनू हैं दैट इज मेन करैक्टर और दैट वॉज वेयरिंग द मास्क एंड टू पेयर्स ऑफ सॉक्स वेयर कर रहा होता है इन कोल्ड विंटर वेदर इन अ स्मॉल वन रूम अपार्टमेंट अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी जो जुगनू है ही इज अ स्मोकर एंड ही सेट्स ऑन द स्टूल एंड हिज बैक इज टूवर्ड द ऑडियंस एंड पर्फ द सिगरेट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द स्म आपको पता है यहाँ लैंग्वेज होती है मॉडर्न जो लिटरेचर में जो मॉडर्न ड्रामा है उसके अंदर जो मॉडर्न जो लैंग्वेज के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स में उनमें साइलेंट लैंग्वेज होती है फोकस जो ज़्यादा होता है उसकी सेटिंग पे होता है यहाँ पे भी वो दैट्स वाई कि वो सिटिंग ऑन द स्टूल और अपनी सोच में गुम और जो जो स्मोक है वो एक पफ की सूरत में और आपको पता है कि जो, 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 जो जो स्मोकिंग होती है इट्स अ पार्ट ऑफ और अ सिंबल ऑफ द इंगजाइटी डिप्रेशन जब इंसान को हो रहा होता है उसको रिलीव करने के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है एंड ही वॉज कैरिंग अ डेड बॉडी और वो जो वाइट शीट के अंदर रैपट हो, होती है अब जो जुगनू है इज ही इज बेसिकली ही वॉज ही इज अ गैंगस्टर मर्डरर लूटर है ट्रिक्स्टर है एंड ही रॉड मैनी बैंक्स और रेप वैनी एंड रेप्ड मैनी वूमेन और किल्ड द इनोसेंट पीपल एन द पुलिस अब ही इज द लीडर ऑफ द गैंग अब यहाँ आप कह सकते हैं कि ही इज अ ट्रैक्स्टर किंग और यहाँ पर ऐसा होता है कि ही किल्ड द इन्फ्लुएंशियल डॉक्टर को किल्ड करता है जिसका जो भाई होता है पर्सनल सेक्रेटरी होता है मिनिस्टर का अब यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जुगनू जो कि इसका साथी होता है ठीक है और इसी तरह माइनर कुछ करेक्टर सिक्योरिटी गार्ड है द पर्सन होम दे प्रोम टू गिव द रेफ्रिजरेटर फॉर द वेडिंग ऑफ हिज डॉटर डोरी एज़ अ डोरी के तौर पे उसने रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत होती है जो कि बैंक रोबरी में उसे हेल्प आउट करता है तो उसे वो प्रॉमिस करते हैं कि उसे रेफ्रिजरेटर नहीं यहाँ वो एक तरह से पाकिस्तानी डायलेमा का जो जो जहेज जैसी लानत है ना उसको भी डिपेक्ट करा रहा। इसी तरीके से जो बाकी करेक्टर्स को देखें तो यहाँ बाली है जो कि कब्र की खुदाई वगैरह का काम करता है इसी तरीके से यहाँ पे एक इंसिडेंट सेलकोट इंसिडेंट का जिक्र किया गया है जिसमें दो भाई को ब्लास्ट फैमी के इंसिडेंट से रेलिवेंट जो है ड्रैग किया गया और उन्हें किल्ड कर दिया गया जस्मान अली ने उस इंसीडेंट को भी डिपिक्ट किया इसी तरह किस तरह एक माइनर सा चीज़ को इश्यू बनाकर ऑल्डो के उनका जो जो था क्राइम भी वो भी सस्पेक्टेड थे और लेकिन उसके बावजूद उन्हें किल कर दिया कि लोगों ने हाथों में कहते हैं ना खुद ही दे आर ट्राइंग टू मेक देयर सेल्फ एज अ जज और दे ट्राइंग टू किल द पीपल दे इन पाकिस्तानी सोसाइटी द पीपल आर ट्राइंग टू गिव द पनिशमेंट टू द अदर पीपल एंड देर इज द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन पाकिस्तान इज वेरी पुअर ये भी आपको डिपीट कर रही है वट इज द रोल ऑफ पार वट इज द रोल ऑफ द वट इज द रोल ऑफ द जस्टिस इन पाकिस्तान एंड द जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान वेद द कोर्ट्स आर डिफरेंट फॉर द पुअर एंड द रिच पीपल जैसे कि अब पॉलिटिशन जैसे हम नवाज शरीफ साहब हैं या मरियम नवाज़ साहब हैं अगर इनका कोई केस चल रहा है तो ईवन की छुट्टी है शिबाज शरीफ साहब की या हमारे बहुत से पी टी आई या हमारी जो है पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं अगर उनका कोई बंदा है तो उन छुट्टी तो के दिन भी जजों को बेचारों को रिस्ट्रिक्शनस होती है कि वो आ, इनको बेल आउट कर दें लेकिन अगर एक आम बंदा है जिसकी अगर जिसने अगर कोई छोटी मोटी भी चोरी की है तो जेलों के अंदर रगड़ा जा रहा होता है तो दैट इज़ अ सिस्टम दैट इज पथेटिक इन पाकिस्तान आल्सो डिपिक्टिंग द पॉलिटिशियन अब यहाँ पे एक जो जुगनू था उसने बेसिकली ही केर्ल्ड दैट इन्फ्लुएंशियल डॉक्टर को और उसका जो भाई था ही वॉज अ पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्टर अब ये थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू है कुछ सिंबलिज्म का इस्तेमाल किया डेड बॉडी है द डेड बॉडी दैट वॉज रैप्ड इन द दाइट शीट एंड इट वॉज डिपिक्टेड दैट द समथिंग दैट हैज दैट इज़ फिजिकली डजेंट एग्जिस्ट बट सिम्बोलिकली यहाँ पे uh, आपको मैं बताना चाहूँगी uh, जो डेड बॉडी इज दॉडी है ये डॉग है अगर हम डॉग को देखें डॉग इज़ द सिम्बल ऑफ सेक्रीफाइस ठीक है और फिर उसके बाद यहाँ पे इस्तेमाल किया गया द लास्ट मैटफ समथिंग दैट इज फिज़िकली डट एग्जिस्ट बट इज सिम्बोलिकली रेड कलर जो होता है इट्स अ सिम्बल ऑफ एक्साइटमेंट होता है डेथ um, uh, का सिम्बल होता है मुख्तल uh, मीनिंग है रिवॉल्ट के मीनिंग में लिया जाता है यहाँ पे रेड ड्रॉप इस्तेमाल की गया जो कि एलिमेंट ऑफ डेथ होती है फॉर द बंकास ब्रदर और इसी तरीके से ब्लू कलर होता है इस द कलर ऑफ और सरनिटी पिट फायर का इस्तेमाल किया गया है हमेशा याद रखें कि जो फायर होते है इट्स यूज फॉर द प्योरिफिकेशन डिफरेंट रिलीजन डिफरेंट जो um, uh, चाहे इस्लाम है क्रिस्टानिटी है डिफरेंट रिलीजनस हैं उसमें जो फायर का जो एलिमेंट होता है प्योरीफिकेशन ऑफ सोल होता है जो आपके सिंस को प्योरीफाई करता है एंड देन यू आर एबल टू रिक्रिएट योर ओन पर्सनैलिटी ऐसा जो न्यू लाइफ की तरफ और पैराडाइज की तरफ आपको लेके जाते हैं इसी तरह वाटर पेसन होता है आपको पता है कि इट्स अ परगेशन ऑफ द प्रगेशन के लिए इस्तेमाल होता है प्रगेशन ऑफ़ योर सिक फीलिंग के लिए या आप कह सकते हैं आपके दुखों तकलीफों सफरिंग से आपने या आपको पाक साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है इसी तरीके से डोरबेल रिंगिंग के अनएक्सपेक्टेड आप यहाँ पे डेथ का भी एलिमेंट कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड रीच ऑफ द पुलिस भी हो सकती है जो कि अचानक ही जब दरवाजे पर बेल होती है तो देवर एक्सपेक्टिंग कि मे बी पुलिस रीच ना हो इसी तरह स्मोकिंग एग्जाइटी डिप्रेशन के एलिमेंट है स्प्रे ऑफ सेंट है स्प्रे ऑफ सेंट रिप्रेजेंट कर रहा है के अगेन एंड अगेन जो जो जुगनू होता है वो डेड बॉडी कर हेड टू द टो उस पर स्प्रे कर रहा होता है और उसकी स्टिंग को रिमूव करने की कोशिश कर रहा है बेसिकली इट्स द हार्ट स्टिंग और इस तरह वेल्स जैसे कि um, जो जुगनू वह कहता है वेल्स आर एवरीवेयर के डेथ इज अनएक्सपेक्टेड डेथ एंड सफरिंग्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ वी कैन नॉट सेग्रीगेट फ्राम द लाइफ और इसी तरीके से जुगनू है इज़ दिबल ऑफ लाइट टू शो इन द डार्कनेस और रोब यहाँ पे इस्तेमाल किया है जैसे कि जुगनू का जो फादर होते हैं या, या भाई होता है ग्रैंड फादर द डाइड इन दैल्स रीजन इज दट फेवरेबल कंडीशंस फॉर द पुअर पीपल दे हैव टू वर्क इन द वेल्स इट हैपन के उन्होंने जो रोब इस्तेमाल की होती है आ, वो ब्रेकडाउन हो जाती है जिसकी वजह से आ, जो है उस जुगनू का जो फादर की डेथ होती है ब्रदर की और इसी तरीके से उसके ग्रैंड फ़ादर भी इसी तरह उनकी डेथ हो जाती है तो ये दिखा रहे हैं कि जो पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर जो पुअर लोग हैं उनका उनको किन सफरिंग और किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है इसी तरह डॉग सेक्रीफाइस का एलिमेंट है मास्कर टू बॉयज इन दियालकोट मैंने जैसे आपको बताया टू ब्रदर्स का जो बताया है यहाँ पे क्रोज और द मॉन्स्टर क्रोज एंड क्रोज इस्तेमाल किए गए पुलिस मैं देर दैट इंसिडेंट इन दियाल कोट और वट द पीपल बट दे डिट स्टॉप एंड दे देर वाचिंगन देट ऑफ वन ऑफ दैम दैट द बॉय इज डेट देन ही केम फारवर्ड और उसने उसके बाद जो है सारा जब उसको सारा इंसिडेंट हो गया तो बेसिकली उनकी क्रियलिटी और ब्रूटल uh, एटीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसी तरीके से मॉन्स्टर पॉलिटिशियंस को हैं दे आर मेकिंग द रोड्स हॉस्पिटल एंड दे आर थिंकिंग दैट दे आर डूइंग सो मच वर्क बेसिकली दे फॉरगेट द इम्पोर्टेंट स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी दैट आर पुअर पीपल सो हम हम उन चीज़ों को uh, जो इन uh, जस्टिस हमारी सोसाइटी के अंदर वो जो है उसको डिपिक्ट कर रहा है पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर और ये सारी जो चीजें हैं उसको वो बता रहा है इसी तरीके से अगर थीम्स को देखें तो हमें ये रियलिज्म का एलिमेंट इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है रेलिज्म के हवाले से अगर आप देखें तो रेलिज्म क्या है इसमें पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर जो उनके रियल इश्यूज़ हैं लाइफ के डेथ के इनजस्टिस इन सब इश्यूज़ को उसने पोर्ट्रे किया है जो ठीक है और मेरे मॉडर्न मैन के जो डाइल है उनको इसी तरह थी थीम ऑफ पोस्ट कलोनियल पोस्ट कलोनियल लिटरेचर की थीम्स जो आपको पता है कि बेसिकली आइडेंटिटी का प्रॉब्लम जैसे मॉडर्न मैन हमेशा आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार रहा है इस तरह पोस्ट कलोनियल के फीचर्स हैं इसमें कि हमेशा वो आइडेंटिटी चाह रहा है मॉडर्न मैन ठीक है और यहाँ पे और पॉलिटिकल इंजस्टिस को रिप्रेजेंट कर रहा है किस तरीके से जो जो पॉलिटिशियंस एंड देयर एयरक्राफ्ट एंड दे आर डूइंग अ वॉयेंस इवन द पुलिस इन द सोसाइटी दैट वर डिपिक्टिंग द इनजस्टिस इन द पाकिस्तान सोसाइटी दे वर यूजिंग द इनकाउंटर्स इन इन डिफरेंट वेस और इस तरीके से जो यंग और जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से ब्रूटली किल्ड कर दिया जाता है ठीक है दैट इज़ वेरी कॉमन इन पंजाब एंड इसी इसी तरीके से सिंध के जो फ्यूडल लॉर्ड्स वाले जो एरियाज़ जहाँ आप कह सकते हैं मेजोरटी टाइम जहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर कितनी सिचुएशन अच्छी नहीं है तो मोस्टली टाइम जो है पुलिस जो है अपना जो है आप कह सकते हैं रोल ऑफ पार को यूज़ करते हुए तो इनकाउंटर कर देती है इसी तरीके से अगर देखें फिलोसफी और लाइफ फॉर दोर किल उनकी वो पैदा होते हैं पुअर सरकमस्टेंसेस में लो सरकम्स्टेंसेज में कोर्ट्स उनके लिए सेपरेट हैं लाइफ स्टाइल डिफरेंट है ठीक है दे हैव टू सफ़र लाइक जो जो था बंक, बंका था उसके जो फादर थे उसके उसको उनके ब्रदर को और इसी तरह उसके जो ग्रैंडफादर थे वेल्स में अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से लैक ऑफ एयर की वजह से टेक्निकल जो है इश्यूज की वजह से वो जो है मौत का शिकार हुए फिल वक्त उन्हें वक्त पर एड्स ना दी जा सकी और फिर उसके बाद जो डेड बॉडी है वो भी कई दिनों तीन दिन बाद उस वक्त बाहर आई जब आ, के जब रेनफॉल हुई तो जो वेल जो है फुल हो गया जिसकी वजह से वो उनकी डेड बॉडी ऊपर की तरफ आ गई तो ये एक तरह से ह्यूमन नेचर को ह्यूमन सेल्फिशनेस को रिप्रेजेंट करती है और इसी तरीके से मॉडर्न ड्रामे में जिस तरह एबजर्ड थिंग्स इस्तेमाल किए हैं इसने जैसे कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहा है कभी वो वर्ड्स यूज कर रहा है कॉफी के लिए सिगरेट जैसी चीजें इस्तेमाल कर रहा है तो ये वो सारे चीज़ें हैं जिसको मॉडर्न ड्रामे का एक आप कह सकते हैं अहम एलिमेंट है जब वो डिस्कस कर रहे हैं तो कह रहे हैं अच्छा ये वो एक दूसरे से डायलॉग्स डि, कुछ इस किस्म के होते हैं जुगनू कहता है आई आल्सो वेयर द टू पेयर्स ऑफ द सॉक्स डू यू तो आगे पंखा कहता है येस आई डू आई वेयर द थ्री पेयर्स ऑफ द शूज तो बेसिकली डायलॉग्स है भी आपको जो है पोस्ट मॉडर्न एस्पेक्ट जो है ईजिली जैसे वेटिंग फॉर गॉड है उसमें भी और उसमें भी रिप्रेजेंट होंगे अब इसी तरीके से आ, किस तरीके से फिलासफी को उसने डिस्कस किया है मॉडर्न मैन के डेलेमा की सूरत में डेलेमा में सोशल इवल्स एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी लाइफ डेथ एंड इनजस्टिस ठीक है और इसी तरह वो जो आपको मैंने बता चुकी हैं उनके एब्जर्ड थिंग्स हैं जिसमें कॉफी सिगरेट और पेयर ऑफ सॉक्स का इस्तेमाल किया है आ, कहते हैं रेपटेशन का इस्तेमाल किया लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको थीम ऑफ ऑप्टिमिज्म भी नज़र आता है जब जो थीम ऑफ ऑप्टिमिज्म के हवाले से आप देख सकते हैं कि जब वो जुगनू होता है वो रेप डेड बॉडी को अपने लेके दफनाने की कोशिश कर रहा होता है बाली डिनाई कर देता है उसे बरी करने के लिए तो वो अल्लाह ताली से दुआ तीन दिन तक दुआ करता रहता है और वो Uh, he was sweating at that time, he was watching the pit fire. And that time, wo Allah said, Oh God, I am alone, I am alone. I cannot carry out the further. Oh Almighty, last favor, I know I am a sinner. I don't deserve your kindness, but someone told me that you are kind towards your creature. Let me bury the soul. My heart was calm, and I'm, I was sure that the prayer was being accepted. एक तरह से वो अपने अपना कनेक्शन जो मॉडर्न मैन जो कनेक्शन है अपना वो अपने गॉड के साथ कनेक्ट कर रहा है इसके अलावा यहाँ पे अनसर्टेनिटी ऑफ माइंड भी डिपिक्ट हो रही है मीनिंगलेस ऑफ मीनिंग लेसनेस ऑफ लाइफ को डिपिक्ट भी अनसर्टेनिटी ऑफ माइंड जो के आपको पता है मॉडर्न मैन हेमलेट के अंदर भी थी टू बी और नॉट टू बी वाला सिचुएशन है मॉडर्न मैन जो अनसर्टेन है एम टी हार्ट है दे हैव नो टाइम इन सिम्पति फॉर द अदर पीपल बट ए रियलिस्टिक बहुत ज़्यादा है नॉट क्लियर अबाउट द थिंग्स लाइक द होलोमैन जिसमें होलोमैन में हमने टी एस एलियत के बारे में डिस्कस किया है सिमिलरली अब यहाँ वो सारी चीज़ें जो हैं इसमें इसने डिस्कस की है और इम्पॉर्टेंट uh, जो चीज़ है आपको समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से पॉलिटिशंस का क्या रोल है पुलिस का क्या रोल है ह्यूमन बींग्स का हमारे इनजस्टिस क्या है सोसाइटी के अंदर हमारे जो है डेथ का व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेथ और फॉर द पुअर एंड द रिच पीपल अब ऐसा भी होता है हमारे uh, के बहुत से लोग होते हैं द पीपल डोंट केयर अबाउट देयर डेथ मर जाते हैं पता नहीं चलता उनका द रोड एक्सीडेंट लावारिस की तरह दी सेंटर के किसी एम्बुलेंस के थ्रू पर कर दी जाती है और इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो द रिच पीपल होते हैं उनकी सेलिब्रेशंस की जाती हैं ट्रेडिशंस के लिए अलावा पम्प एंड शो से उनको दफना दिया जाता है तो ये दिस इज ऑल अबाउट दिस पाकिस्तानी सोसाइटी किस तरह पाकिस्तानी सोसाइटी को सैग्रीगेट uh, किया गया है एंड uh, किस तरीके से एक मॉडर्न uh, मैन की जो लाइफ है डार्कनेस का शिकार है ग्लूम क्योटिक लाइफ को डिपिक्ट रही है और इसी तरह जो जुगनू है uh, दिखा रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स जो हमारे मॉडर्न मैन है उसका कि जैसे कोई जुगनू है वो अनसर्टेन अनसर्टेन uh, भी है और इसके अलावा वो जिस सिचुएशन uh, का शिकार है गैंगस्टर एज अ गैंगस्टर किलर मर्डरर है वो कहता है कि हिज हिज मदर नेम जुगनू टू शो द लाइट टू द अदर बट अनफॉर्चुनेटली वट के वो आगे से कहता है कि माय नेम इज़ जुगनू आई डोंट हैव द आईज आई हैव एन आई तो बेसिकली uh, क्या था वो कह रहा था कि मेरी माँ ने मुझे अच्छे काम के लिए लेकिन जो उसकी लाइफ थी वो एक आ, ग्लूमी और डार्कनेस का शिकार हुए कि ऑप्टिक लाइफ में और फिर उसने लोगों को न, कहते किल्ड किया नोसेंट लोगों को ट्रिक्ट पुलिस मैन को रेड किया के साथ ये सारी की सारी जो चीजें हैं उसकी जो है ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं और दिस इज ऑल अबाउट दिस प्ले आई होप यू अंडरस्टैंड इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क अबाउट द लास्ट मेटाफर यहाँ पे लास्ट नोट में उस्मान अली कहते हैं कि मा बहुत ही खूबसूरत उस नोट जो मुझे रियली इंस्पायर करता है वो ये कहते हैं आई एम मोर फ्रेगमेंटेड माई करेक्टर्स एक ऐसा इंसान जो ह्यूमन uh, बींगस जो है अपने ह्यूमन से लेने में नाकाम एक डेड बॉडी है उससे इंस्पायर होता है और उससे उसकी लाइफ के अंदर क्या क्या आसमान अली ने क्या क्या उसको फील किया uh, किस तरीके से Ironically, हमें ही टीचिंग द मोरलिटी जस्टिस पीस एम्पति फॉर द अदर ह्यूमन बींग्स और किस तरीके से हमें ये बेसिकली अवेकन द कंपैशन फेथ सेक्रीफाइस फॉर अदर ह्यूमन बींग ह्यूमन एंड बींगो क्रिएटिंग द द सेंसिबिलिटी इन द अदर ह्यूमन बींग और हम उनके लिए कैसे सेक्रीफाइस हमारे जज्बा होना चाहिए फॉर अदर करेक्टर्स बाय बाय द ऑफ शो दिस इज ऑल अबाउट द जुगनू पंका एंड दैट्स द प्ले एंड ये इनका थोड़ा बहुत मैंने आपको हर एक का आइडिया दिया आई होप यू अंडरस्टैंड थैंक यू वेरी मच